हेलो फ्रेंड्स, एम क्लास पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मेरे वीडियो देख रहे होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने रीजनिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए हैं, बहुत सारे चैप्टर मैंने करवा दिए हैं। लगभग 3 से 4 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं और पूरा ही एक ही वीडियो में मेरा पूरा कवर करवाने की कोशिश की है। आज हम रैंकिंग बढ़ने वाले हैं। रैंकिंग में नो फार्मूला, किसी फार्मूले के यूज़ करने की आज के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो आज मैं जो बताने वाला हूँ, डायग्राम से आपको कैसे सॉल्व करना है किसी भी प्रकार का जो फार्मूला। आपने फार्मूले पढ़े होंगे, फार्मूले इस प्रकार से होते हैं कि टोटल निकालने का एक फार्मूला होता है कि राइट प्लस लेफ्ट और -1। इस प्रकार से फार्मूले भी पढ़े होंगे आपके कि राइट से जो आया लेफ्ट से आया। अभी आपको रैंकिंग की पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ कि क्या लिख रहा हूँ मैं पहले से आपको। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं उसको पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ रैंकिंग होती क्या है। तो रैंकिंग को पढ़ने से पहले, रैंकिंग 2 प्रकार की होती है। अगर रैंकिंग आपने पहले कभी नहीं पढ़ी तो रैंकिंग आज पढ़ लीजिए, ठीक है। और आज के बाद मेरा ऐसा मानना, कोई फार्मूला कभी आपको, मतलब कि कब -1 करना, कब +1 करना, कब पर्सन पर्सन कैसे निकलेंगे, पर्सन कम है या कम, मतलब कि कभी 13 निकल रहे, कभी 14 निकल रहे, कभी 15, इस तरीके से आपके जो आंसर आते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, वो आज के बाद आना बंद हो जाएगा, ये मेरा मानना है। आप ये देखिए, पहले रैंकिंग जो है, रैंकिंग एक तो वर्टिकली हो सकती है। वर्टिकली रैंकिंग कैसे हो सकती है, आप ऐसे देखिए कि कोई व्यक्ति ऊपर से, क्लास में अक्सर होता है, क्लास में आपकी जो रैंक लगती है वो ऊपर से नीचे, तो ऊपर की फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से लगते हैं। तो कोई व्यक्ति ऊपर से थर्ड या 21 रैंक है ना, 21st रैंक उसकी ऊपर से, इस प्रकार नीचे से उसकी जो रैंक है उसी व्यक्ति की, एक ही व्यक्ति की, वो 22nd है। दोनों ही एक ही प्लेस पर मिलते हैं, सिंगल पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से वर्टिकली जो रैंकिंग होती है उसे वर्टिकली रैंकिंग कहते हैं, जिसमें ऊपर से नीचे एक रैंक बनी होती है उस रैंक के आधार पर। ऐसे हॉरिजॉन्टली होती है, ये थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होती, देख लेना, कोई बात नहीं, चलती है ना। इसके अलावा मैं थोड़ी लिखने में थोड़ी कंजूसी करता हूँ, आदत है थोड़ा, है ना। इसके अलावा ये ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टली में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में इस प्रकार से एक लाइन पर ही बैठे होते हैं जो कि सभी नॉर्थ डायरेक्शन में मुंह करके मुंह करके बैठे होते हैं, है ना। उनका सबका फेस किधर होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में उसका मुंह होता है। इस प्रकार से हम मान के चलते हैं कि सभी उत्तर में ही मुंह करके बैठे हैं, इसीलिए हम ये मानते हैं कि ये जो है ये मेरा लेफ्ट है, तो इस रैंक में भी पूरी तरफ से मेरा लेफ्ट होगा, मतलब इस लाइन में भी लेफ्ट होगा और इधर से मेरा राइट है, इसलिए ये भी लाइन भी जो है राइट होगी, ठीक है। इसके बाद एक पर्सन देंगे कि कोई अमित नाम का व्यक्ति है जो इधर से सेकंड, मतलब कि 23rd नंबर पर है और दाएं से 16वें नंबर पे है। आपको बताना है कि इस पूरी पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, है ना। इस तरीके से आपको फाइंड करना रहता है कि आपके क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, सिंगल पर्सन आए, डबल पर्सन भी बनता है कि अमित इधर से 16वां है, वहीं ये अमित आ गया, तो इधर इसी तरीके से कोई विजय नाम का लड़का है जो कि दाएं से 15वां है, अब दाएं से 15 यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, इसको काट रहा होगा, ओवर क्रॉस कर रहा होगा या क्रॉस नहीं कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन से सीखते हैं ताकि जल्दी जल्दी अपन सीखेंगे सारी चीज़ें। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है, हिंदी में तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ ही इंग्लिश में इसलिए लिखा है, कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हमसे जुड़ते हैं तो उनको इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए होता है, तो मैंने इसलिए आज इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है। मैं इसको पूरा आपको समझाऊंगा, हिंदी वाले बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं पूरा बोल बताता हूँ कि क्या है। एक रो, इन अ रो, मतलब एक किसी पंक्ति में विजय नाम का लड़का, विजय इज 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड, मतलब कि विजय जो है, विजय का जो स्थान है एक पंक्ति में वो लेफ्ट एंड से, ये लेफ्ट एंड होता है, लेफ्ट एंड से 15 नंबर पर वो है, ठीक है। इसके बाद इसने आगे दिया है 12th फ्रॉम राइट एंड, ही विजय 12th फ्रॉम राइट एंड, मतलब यहाँ से ये 12th फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से 12th है, ठीक है। इस क्वेश्चन को निकालना तो बड़ा ही आसान है, आपने अगर फार्मूला, ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा तो आसानी से आप निकाल रहे होंगे, लेकिन मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको फार्मूला बताना पड़ेगा, फार्मूला आखिरकार बना कैसे, तो उसको देखते हैं हम। इधर से ये 15 नंबर पर है, आप ये देखिए यहाँ पर जाकर एक दूसरे को, मतलब खुद ही एक स्थान पर ही बना होगा, इसी स्थान पर ये दोनों
इधर से भी पोजीशन और इधर से भी पोजीशन एक ही स्थान होगा, और मेरे दो बार काउंट हुआ, इसलिए मैंने एक बार 15th पोजीशन और 12th पोजीशन टोटल मिलाकर मेरे पास जो भी हुआ उसमें से मैंने एक पोजीशन डबल बार गिन लिया मैंने इसको, इसलिए इसको 1 माइनस करना पड़ता है टोटल निकालने के लिए। मतलब मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड, लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड से जो स्थान था माइनस में 1 क्यों किया, क्योंकि ये एक ही पोजीशन पर दो बार गिनने में आ रहा था, एक बार 12th बोल रहा था मैं, इधर से 15th बोल रहा था, दोनों जगह आ गया, ठीक है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला जो अपने पास बना था वो फॉर्मूला ये बना है कि टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड माइनस में 1। अगर मैं ये कहूँ कि इससे मैं सारे फार्मूलेज निकाल सकता हूँ कि राइट हैंड फार्मूला, हमेशा ये ध्यान रखना, ये तभी संभव होता है, ये फार्मूला तभी लगता है जब सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ, सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिंगल पर्सन हो मतलब कि केवल विजय की बात कर रहा है, विजय की स्थान को पूछ रहा है, विजय ही बार बार उसी विजय का स्थान ही बोला है, राइट से भी और लेफ्ट से भी विजय का ही स्थान बोला है, इसलिए विजय का स्थान निकालने के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ पर दो पर्सन आ जाएगा वहाँ किस तरीके से करेंगे, इसके लिए पहले इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ किस तरीके से। अगर मैं पूछूँ कि इसका अगर इसको टोटल दिया होता है, जैसे यहाँ टोटल जो भी आया, ये आया है 26 आया, यहाँ से टोटल क्या आया 15, 27 और 26, 26 क्या हो गए, पर्सन हो गए, ठीक है, इस पूरी रो में कितने पर्सन हो गए, 26 पर्सन हो गए। मतलब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे लेफ्ट से निकालना होता, लेफ्ट से पोजीशन नहीं दी होती और टोटल दिए होते, अगर टोटल दिए होते, टोटल जैसे यहाँ पर दे रखा है, टोटल कितने हैं 26 है, और राइट से पोजीशन दे रखी है मुझे 12th, राइट से पोजीशन दे रखी है 12th, और मुझे लेफ्ट से पोजीशन ज्ञात करनी है, लेफ्ट से पोजीशन मुझे निकालनी है, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस फार्मूले से आप देखिए, लेफ्ट से पोजीशन निकालनी मतलब मैं अगर लेफ्ट का फार्मूला निकालूँ, लेफ्ट को अगर इधर मतलब लेफ्ट को वही रखता हूँ और इस पूरे फार्मूले को इधर लाता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ रही, तो टोटल प्लस 1, ये प्लस 1 इधर आ गया, माइनस में जाकर ये राइट, ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो क्या करता हूँ मैं, हमेशा टोटल में प्लस 1 करता हूँ, मैं अगर टोटल में प्लस करूँ 1 करूँगा यहाँ तो हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, और राइट को मैं माइनस कर दूंगा, डायरेक्ट राइट को माइनस कर दूंगा, यहाँ से 12 को माइनस कर दूंगा, तो मेरी लेफ्ट की पोजीशन आ जाएगी 15 नंबर, लेफ्ट की पोजीशन। इस तरीके से सिंगल पर्सन में आप अगर राइट का पूछा होता तो भी मैं टोटल में प्लस 1 करता, देखो आप राइट का फॉर्मूला भी इसी प्रकार से बनेगा कि टोटल प्लस 1 और माइनस में लेफ्ट। मतलब सिंगल पर्सन के लिए हम हमेशा ये करते हैं कि अगर पोजीशन अगर लेफ्ट की दी और राइट की निकालनी हो तो टोटल प्लस 1 माइनस अपन जो पोजीशन देती हूँ उस पोजीशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से टोटल अगर निकालना हो तो दोनों को प्लस करके माइनस 1 करते हैं। ये तो हुआ फार्मूले की बात। अब आने वाले सवालों में हम फार्मूले क्यों यूज़ नहीं करेंगे उसका भी मैं कारण बताता हूँ, किस तरीके से डायग्राम यूज़ करेंगे, मैं उसके लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, उस नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने, इस बड़े से क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जरूर बड़ा हो सकता है लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार मैं आपको सिखाऊंगा ना सॉल्यूशन में, अब जब आपको बताऊंगा उसके बाद आप ट्राई करोगे तो आपको लगेगा बहुत इजी था। इसको देखकर घबराना नहीं सबसे पहले तो ये। अब मैं यहाँ से कंडीशन सिखा रहा हूँ आपको, वो सारी कंडीशन आपको लिखते जाना, राइट, अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशन मैं सिखा कर जाऊँगा यहाँ से इस क्वेश्चन से। आप देखो, इन रो रवि इज 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मतलब कि वो रवि जो है, रवि का स्थान लेफ्ट से, ये लेफ्ट हैंड से, ठीक है, ये रवि का स्थान कहाँ से 15th है, लेफ्ट से 15th है, ये 15 लिखा मैंने, ये बात तो समझ में आ रही होगी। इसके बाद अमित एक नया पर्सन आ गया, अमित इज 16th फ्रॉम राइट हैंड। देखो अमित को मैं अमित इज 16th फ्रॉम राइट हैंड। अब मैं एक बार अमित को यहाँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन एक और आप कंडीशन ये देखिए, अभी तक मैंने दो लाइन पढ़ी है, बस लाइन को जैसे जैसे पढ़ते जाना है वैसे वैसे सॉल्यूशन करते जाना है, लेकिन आगे की कंडीशन तब पढ़ेंगे जब हमें ये पूरा डायग्राम बनाना सीख जाना। मैं डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, उसके बाद आगे के जब आप डायग्राम बनाना पूरा सीख जाएंगे तब आगे की लाइन भी फटाफट आप पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे, लेकिन अभी तो मैं डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, इसलिए डायग्राम बनाना सही से सीखना किस प्रकार डायग्राम बनाते हैं। एक चीज़ यहाँ से हुई कि राइट से बोला ये तो सही है, राइट से 15, लेकिन एक और कंडीशन ये हो सकती है कि जो अमित है, अमित फिलहाल मैंने अमित का स्थान किधर लिया, रवि के राइट में लिया, लेकिन अमित का स्थान इधर भी हो सकता है, अमित का स्थान यहाँ पर भी हो सकता है,
आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं। अमित का स्थान राइट से इसके लेफ्ट में भी हो सकता है इस तरीके से, क्योंकि फिक्स नहीं है पोजीशन की 16। अभी हमें क्या टोटल पर्सन तो पता नहीं है कि हम यहाँ पर बिठा दें इसको इधर, या इनके बीच का मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको इधर भी बिठा सकता हूँ और इसको इधर भी बिठा सकता हूँ। देखो मैंने इसको इधर बिठा दिया, इसको इधर बिठा दिया, मतलब इनका कोई अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन हम आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इनका कुछ डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है इस तरीके से। तो एक ही डायग्राम में आपको ये पोजीशन भी आपको एक ही डायग्राम में लेनी है, मैं एक ही डायग्राम में ले लेता हूँ, ठीक है। कहाँ से कहीं रोंग हो जाएगी अपने आने आने समय में। मैं अमित को एको ले लेता हूँ इस तरीके से, ये अमित है हमारा, अमित 16 नंबर पे है और अमित को मैं अमित डैश बता देता हूँ, ताकि कभी भी अगर मुझे इस कंडीशन को राइट करना है तो अमित डैश वाले के साथ चलूँगा, ठीक है। अब आगे क्या, हाँ आगे क्या दिया इसने, सुमित इज फोर्थ राइट ऑफ रवि। सुमित जो है फोर्थ राइट, मतलब कि रवि के फोर्थ में, राइट में है ना। यहाँ से मैं बोलूँ कि सुमित जो है यहाँ पर है, ये सुमित का स्थान क्या हो जाएगा, ये सुमित का स्थान यहाँ हो जाएगा, रवि के राइट में फोर्थ, ये फोर्थ है तो ये फोर्थ कर देता हूँ मैं इसको, ये फोर्थ कर देता हूँ, ठीक है। और या मैं चलो इसको ऐसा ही लिख देता हूँ कि ये फोर्थ है यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं ये भी नहीं बता सकता कि आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, लेकिन एक लाइन और आगे पढ़ने के बाद मालूम पड़ रही है, एंड फिफ्थ लेफ्ट ऑफ अमित, मतलब अमित के लेफ्ट में और इसके राइट में, मतलब यहाँ पर बीच में आ रहा है ये अमित के, यहाँ से कितना है फिफ्थ है। आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी, मैंने जो लिखा है उस डायग्राम को आप समझ पा रहे होंगे, इसने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा मैंने किया। अब आप देखिए ये कंडीशन इसलिए रोंग हो गई कि इसने पहले से ही बोल दिया था कि सुमित जो है फोर्थ राइट ऑफ रवि है, फोर्थ राइट ऑफ रवि है, और यहाँ लेफ्ट में बिठा रहे थे, जो कि पूरी तरह से मेरी कंडीशन ही है रोंग हो गई। तो यहाँ से मैं इस कंडीशन को भी पूरा हटा देता हूँ, ठीक है, मेरी कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी। अब मैं इससे आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप पर्सन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन हर बार लेना है आपको, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में डिसाइड ना हो कि क्या करना है, डिसाइड हो गया इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अब आप देखिए कि मैंने एक चीज़ सीखी है, आप भी इस चीज़ को सीखना, कि जब भी मैं पर्सन की बात करूँगा, पर्सन इसमें पर्सन फाइंड करना, तो फाइंड द पर्सन इन अ रो, ठीक है। क्वेश्चन ये था, जब भी मैं पर्सन की बात करूँगा, पर्सन मतलब होता है डिस्टेंस माइनस वन, और डिस्टेंस क्या होती है, रैंक को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस से मतलब मेरा ये है कि पोजीशन, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि रवि की जो पोजीशन है वो 15 है, लेफ्ट से 15 है, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो भी 15 है, ठीक है। अगर मैं उसको फोर्थ कह रहा हूँ, फोर्थ उसकी पोजीशन है, फोर्थ समित से उसकी पोजीशन है, मतलब मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सुमित बेटा है, उसकी दूरी कितनी है, वो भी 4 है। दूरी मतलब डिस्टेंस बराबर रैंक, रैंक क्या बताई मैंने, फोर्थ मतलब रैंक है ना, ऐसे फिफ्थ है मतलब रैंक, तो ये दूरी हो गई इसकी। हमेशा दूरी किसके बराबर होती है, रैंक के बराबर होती है, आप ये बात समझे एक बार, तो लाइक और शेयर करना, ठीक है। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो अभी तो कर दीजिए ना, अभी तो क्लास चल रही है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको कि रैंक बराबर डिस्टेंस होती है, मतलब मैं यहाँ से पूरे की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, इस पूरे डायग्राम से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस कैसे निकालूंगा कि 15th पोजीशन तो मेरे यहाँ से दे रखी है, तो 15th पोजीशन तो यहाँ तक की, प्लस फोर्थ पोजीशन ये, मतलब 4 ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ से फिफ्थ ये है ना, 4 और 5 ये वाली, ये भी क्या हो रही है, डिस्टेंस है। फिफ्थ पोजीशन दी थी, पोजीशन मतलब रैंक बराबर डिस्टेंस, यहाँ से फिफ्थ, प्लस में ये 16 उधर से, ये भी क्या थी, ये भी रैंक थी, पोजीशन थी, तो ये क्या होगी, टोटल डिस्टेंस यहाँ से निकल गई। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15, 5, 20, 4, 24 और 16 हो जाएगा 40 मेरे पास क्या आई, डिस्टेंस आई। और मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस क्या होती है, पर्सन कितने, पर्सन कैसे निकालेंगे, पर्सन हम करेंगे डिस्टेंस माइनस वन, पर्सन क्या होता है, डिस्टेंस माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास जो पर्सन आ जाएंगे, पर्सन कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस माइनस वन, पर्सन टोटल कितने हो जाएंगे, 40 माइनस वन इतने हो जाएंगे, 40, 39। आपको किसी भी फार्मूले को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि रैंक बराबर डिस्टेंस में इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आने वाले क्वेश्चंस में आप फिर
कंफ्यूज हो गए, इसलिए कंफ्यूजन को अभी से दूर कर लो। रैंक बराबर डिस्टेंस, और रैंक उसे कहते हैं जो पोजीशन उसकी दी है उसे ही रैंक कहते हैं। आप देखिए, रैंक को मैंने प्लस किया मतलब ये दूरी को प्लस किया, यहाँ से यहाँ तक की मैंने दूरी निकाली, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे सीखेंगे। पर्सन बराबर होता है डिस्टेंस माइनस वन। अब मैंने क्या किया, डिस्टेंस मैंने निकाल ली थी, वो तो टोटल पर्सन कितने होंगे इस पूरी रोंग में, 39 होंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे और आसान किस तरीके से सीख सकते हैं और आगे सीखते हैं। इस डायग्राम से मैंने डायग्राम फिर से बनाया, डायग्राम से मुझे और भी कुछ सिखाना था, मैं वो सिखा के जाता हूँ। आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इस ये डायग्राम बनने के बाद, या ये इस क्वेश्चन से और क्या क्वेश्चन आंसर मतलब कि आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे मैंने लिख दिए। ये पूछ सकता है कि राइट से रवि की जो पोजीशन है, रवि है ना, यहाँ पर रवि था, मैं लिख देता हूँ आपको, अगर भूल जाओ आप, है ना। सवाल ऐसा था कि यहाँ रवि था और यहाँ अमित था और ये बीच में सुमित था, ठीक है, सुमित समझ लेना इसको, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि रवि की जो राइट से पोजीशन क्या है, अभी लेफ्ट से दे रखी है, रवि की राइट से पोजीशन क्या है, तो राइट से पोजीशन की डिस्टेंस देख सकता हूँ मैं, डिस्टेंस निकालना मुझे आ गया है 16 प्लस 5, यहाँ पर राइट से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ फिलहाल, मैं क्या निकाल रहा हूँ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी 16 प्लस 5 प्लस 4, मतलब कि 16 और 5 21, 21 और 4, 21 और 4 25, 25 इसकी क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब पोजिशन, तो 25th क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर ही होता है रैंक, और रैंक की क्या निकला है मेरे पास, इसको मैं लिख देता हूँ कि डिस्टेंस बराबर रैंक तो मैंने लिख रखा है, तो इसको प्लस क्या किया मैंने 16th + 5 + 4, राइट से पूछा था तो मैंने राइट से प्लस करना स्टार्ट किया, ठीक है। अगर वो पूछ ले अमित का स्थान लेफ्ट से, अमित का स्थान अभी राइट से दे रखा है, लेफ्ट से पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, स्थान पूछा है, स्थान मतलब पोजिशन, पोजिशन मतलब डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस डायरेक्टली प्लस करना है, क्या करना है 15 + 4, इसको मैं लिख देता हूँ 15 + 5 = 20 और 4 = 24, 24th हो जाएगी, तो यहाँ पर भी मैं ऐसा कर रहा हूँ 15 + 4 + 5, ठीक है, इस तरीके से निकाल रहा हूँ। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि सुमित का स्थान राइट से क्या है, सुमित का स्थान राइट से क्या है, सुमित का स्थान राइट से पूछा मतलब 16 + 5 पोजिशन पूछ रहा है, पोजिशन मतलब रैंक पूछ रहा है, रैंक मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, 16 और 5 = 21, का लेफ्ट से पूछा है मतलब कि क्या 16 + 5, सुमित का लेफ्ट से, सुमित का लेफ्ट से, सॉरी सुमित का लेफ्ट से 15 + 4 = 19, यह हो जाएगा 19। अब इसने पूछा है हाउ मेनी पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि, अमित और रवि के बीच में कितने पर्सन है, अमित और रवि के बीच में मुझे पर्सन बनाना, पर्सन बनाने उसके लिए मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस कितनी होगी 5 + 4 = 9, तो हो गई डिस्टेंस, और पर्सन निकालेंगे मुझे पता है कि डिस्टेंस माइनस वन करना पड़ता है, तो डिस्टेंस माइनस वन, यहाँ से मेरे पास पर्सन कितने हो जाएंगे 8 पर्सन हो जाएंगे, टोटल 8 क्या आ जाएंगे मेरे पास पर्सन आ जाएंगे, 8% में ऐसे बता सकता हूँ, ये आपको ध्यान रहेगा। इसके बाद और क्या क्या पूछ सकता है, सारी कंडीशन मैंने बता दी है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन आप करना खुद से, और उसके बाद सॉल्यूशन देखना उस आपको कितना सीखे, ये चीज़ बस ध्यान रखना, आपको रैंक बराबर डिस्टेंस और पर्सन बराबर डिस्टेंस माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप खुद से करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, पॉज करके सॉल्यूशन देखना। अब आप ये देखिए, सबसे पहले जो जैसा जैसा वो बोलता है हर लाइन को मैं पढ़ता जाऊंगा, वैसा वैसा डायग्राम बनाता जाऊंगा, ठीक है। राम जो है 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, राम का स्थान बनाया मैंने सबसे पहले, ये राम का स्थान 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, अच्छा इसको मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पर ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये पोजिशन है और ये राम का स्थान है, इसलिए राम को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और ईशान, ईशान इज 16th फ्रॉम राइट हैंड, ईशान को अभी 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 मुझे पता नहीं कि ईशान यहाँ होगा, ईशान यहाँ होगा मतलब ईशान हो सकता है यहाँ है, मतलब 16th यहाँ पर हो सकता है ईशान। और दूसरा ईशान, एक और कंडीशन क्या हो रही है, ईशान की कंडीशन ये वाली बन रही है एक और, कि ईशान जो है यहाँ पर भी हो सकता है, ईशान 16th, ईशान डैश कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, 16th फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से इसके लेफ्ट में हो सकता है, इसके राइट में। अब अगली लाइन जब पढ़ता हूँ, ईशान इज 6th लेफ्ट ऑफ राम, ईशान इज 6th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ, या फ्रॉम लिख लेना, फ्रॉम लेफ्ट एंड लेफ्ट ऑफ राम, राम के लेफ्ट में ईशान, यहाँ से पता लग गई राम के उधर नहीं है, मतलब ये कंडीशन मेरी रॉन्ग हो जाएगी, मतलब ये वाली कंडीशन तो कहीं से कहीं तक पूरी ही, इसको पूरी तरह से कंडीशन ही खत्म हो गई, अपना दे दिया इसने 6th लेफ्ट ऑफ राम, 6th पोजीशन पर, मतलब ये 6th पोजीशन, ये 6th पोजीशन है, ठीक है, ये 6th पोजीशन पर है, यहाँ पर ईशान, ईशान राम से 6th पोजीशन पर है ना, लेफ्ट ऑफ राम। अब टोटल फाइंड पर्सन करने, अब आप देखिए मैंने बताया था कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक बार डिस्टेंस बनानी है
और डिस्टेंस डिस्टेंस ही निकालनी है। लास्ट में जाके देखेंगे हमें फाइंड क्या करना था। अब यहाँ पे बोल रहा है पर्सन फाइंड करने हैं, तो मैं डिस्टेंस माइनस वन करूँगा तो मेरे पास पर्सन आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 13 है। अगर इस 13 में से मैं ये 6 माइनस कर दूँ, 13 में से ये 6 माइनस अगर कर दूँ, तो इस नंबर इस पे इस ये जो पोजीशन है ये वाली पोजीशन आ जाएगी मेरे पास। वो कई किसकी पोजीशन है, राम की पोजीशन आ जाएगी, राम की पोजीशन आ जाएगी यहाँ से। अभी फ़िलहाल में अगर मैं इसको माइनस कर दूँ 13 में से 6 को, तो यहाँ से राम की पोजीशन क्या आएगी, 7th आ जाएगी। मतलब जो राम और ईशान दोनों एक ही जगह, 7th हो जाएगा। ठीक है, 7th हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ से ये 7 और यहाँ से ये 16th, एक सिंगल पर्सन वाली कंडीशन आ गई कि यहाँ से 7 और यहाँ से 16th। अभी पोजीशन में प्लस करता हूँ, मेरे पर डिस्टेंस निकल जाएगी। डिस्टेंस कितनी निकलेगी, 7 प्लस 16 राइट से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पूरी दूरी आ गई ना। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो रही टोटल 7। यहाँ 7 हो रही थी ना, यहाँ तक 7 हो रही थी, ये 7 है ना, क्योंकि 13 माइनस मैंने 6 किया, 7 हो रही थी। तो इस तरीके से यहाँ से 7 प्लस 16 यहाँ पर मेरे पास डिस्टेंस जो आई वो क्या आई, 7 और 6 13 23 आई। लेकिन मुझे निकालना क्या है, पर्सन निकालना है। और पर्सन क्या होता है, पर्सन हमेशा ये होता है कि डिस्टेंस माइनस वन, मतलब 23 माइनस 1, टोटल लोग इस पंक्ति में कितने होंगे, 22 होंगे। बस ये डायग्राम बनाना है, पोजीशन जो भी दे रखी है वही हमारी डिस्टेंस होगी। पोजीशन को प्लस माइनस में कर सकता हूँ, इसलिए 13 माइनस 6 = 7 इसी स्थान पर आ गया। राम और ईशान दोनों एक ही जगह, मैं इधर से देखता हूँ तो राम 7 स्थान पर था, इधर से देखता हूँ तो राम 16 नंबर पर था। इधर देखो यहाँ 16 था, नहीं ईशान दोनों एक ही जगह आ गए। तो इधर से मैंने दोनों को क्या निकाली, मैंने डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस जो आई हो 23 आई। पर्सन निकालने के लिए 23 में से एक माइनस किया था, यहाँ पर 22 मेरे पास पर्सन आ गए। इस तरीके से क्वेश्चन। अब और आगे क्या पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि ईशान और राम के बीच में टोटल कितने लोग थे। तो मुझे ये पता है कि 6 तो इसमें क्या डिस्टेंस थी, तो डिस्टेंस माइनस वन 5 लोग थे, 5 पीपल थे, 5 पर्सन थे। इस तरीके से आपके पास आंसर निकल जाएगा। टोटल फाइंड करने का था, मैंने टोटल फाइंड किया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें क्या होगा कि ये पोजीशन इंटरचेंज करने वाला क्वेश्चन, एक पोजीशन इंटरचेंज कि राम ईशान की जगह लेता है, ईशान राम की जगह, एक पोजीशन इंटरचेंज वाला सवाल है। लास्ट सवाल करेंगे, उसके बाद हर डायग्राम, आप डायग्राम बनाना सीख जाइए। नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चन को आप पिन किया कीजिए, मैं उसको देखूंगा जरूर। यह पोजीशन इंटरचेंज वाला सवाल है। इस पोजीशन इंटरचेंज वाले सवाल को कैसे करते हैं वो भी अपन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड वैसे ही करना लाइन बाय लाइन, और आपको वैसे वैसे कंडीशन आपको वैसे वैसे डायग्राम बनाता जाना है। ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। हरी इज 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, हरी बाएं से 11वें स्थान पर है। बाएं से 11वें स्थान पर कौन है, हरी। ये 11वें स्थान पर हरी है, ठीक है, हरी को मैंने एच डिनोट किया है। इसके बाद अंशुल इज 17th फ्रॉम राइट हैंड, अंशुल जो है 17th फ्रॉम राइट हैंड। अब अभी भी इनकी पोजीशन तो नहीं पता है मुझे कि ये हरी अंशुल इधर है या इधर, लेकिन इसने आगे इससे अपने को इस लाइन से अपने को कंफर्म हो जाएगा कि इसकी पोजीशन कहाँ है। अगर ये बढ़कर आता है, मतलब ये इसकी जो पोजीशन जिस प्रकार से दी उससे मुझे पता लग जाएगी क्या है। देखते हैं अपन क्या दे रखा है। When both are change their place with each other, मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेते हैं, वो अपनी पोजीशन अगर चेंज कर लेते हैं, देन हरी बिकम्स 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 13th हो जाता है। मतलब हरी जो है लेफ्ट हैंड से 13th हो जाता है, ये हरी की हरी डैश इस प्रकार से हो जाता है। और ये कौन से पोजीशन पे आ जाता है, ये 13th पोजीशन आता है, हरी डैश में इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए लेफ्ट हैंड से वो 11वें पर था, 13वें पर चला गया, पोजीशन चेंज की, मतलब यहाँ से बड़ा है, मतलब ये जो करेक्ट पोजीशन मैंने ली है। अगर मैं इधर ले लेता अंशुल को तो हरी का चेंज करने पर कम होना चाहिए, लेकिन कम नहीं हुआ है, बड़ा है, मतलब ये जो पोजीशन मैंने जो ली है वो एकदम एग्जैक्ट राइट है। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है कि हरी जब एग्जैक्ट पोजीशन उनकी कहाँ है, किस तरीके से, कि इस तरीके से आपको पता लगे कि उस लाइन में उसने क्या दिया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं सारे क्वेश्चन अगर कराने लग जाऊँगा अभी तो मुझे, मैं क्या करता हूँ कि इस क्लास को मुझे कम से कम 3 दिन चाहिए तब जाके मैं इसको पूरा कवर कर पाऊँगा। लेकिन मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ उसे सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हरी डैश हरी का स्थान कहाँ होगा, 13। अब देखो इंटरचेंज करने के बाद यह स्थिति आ गई, मतलब ये दोनों, ये था 17 पे, ये था 13 पे, इनकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई 17 प्लस 13। ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस पूछी जाती तो मैं बता देता 17 प्लस 13 डिस्टेंस हो जाए टोटल, और माइनस वन करता तो मेरे पास पर्सन आ जाता है। आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो आप इरेज मत कर देना इसको, डिस्टेंस होता है पर्सन होता है डिस्टेंस माइनस वन, ये आपको ध्यान में रखना है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना है, उससे हो जाता है सवाल। अब इसने पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलते हैं। फाइंड अंशुल फ्रॉम राइट हैंड,
अंशुल फ्रॉम राइट हैंड पूछता है, मतलब अंशुल किस तरह आ गई, यहाँ पे आ गया अंशुल। अब अंशुल फिलहाल में यहाँ पर है। अब मुझे अंशुल की स्थिति निकालने के लिए पहले टोटल निकालने पड़ेंगे, उसके बाद अंशुल को निकाल पाऊंगा। तो देखो अब मैं टोटल निकाल सकता हूँ, 17 प्लस 13 टोटल पोजिशन, टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, ये हो जाएगी 30। मेरी टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 30 है ना, 30 है। अब उसने पूछा है कि अंशुल फ्रॉम राइट हैंड, अंशुल का जो है, अरे राइट हैंड ही, तो अंशुल तो राइट हैंड से ही था, क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं पूछा, क्वेश्चन तो सही था। हो सकता है इसमें अंशुल का, अंशुल आम, अंशुल का नया स्थान, मतलब चेंज करने के बाद, इसमें ये पूछना था कि इंटरचेंज करने के बाद अंशुल का जो नया स्थान है, वो नया स्थान कौन से स्थान पर है, मतलब अंशुल जो अभी फिलहाल में, अंशुल का जो स्थान हुआ चेंज करने के बाद, वो स्थान क्या है, ये पूछना था। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो ये वाला मुझे पोजिशन बतानी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं टोटल में से इस 11 को अगर माइनस करूँ, तो अभी लेफ्ट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड से, या लेफ्ट हैंड से स्थान है इसका, तो राइट हैंड से आ जाएगा। तो मैं टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 11 को डिस्टेंस माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया, टोटल आ गया 19। लेकिन मुझे डिस्टेंस नहीं निकालनी थी, डिस्टेंस ही निकालनी थी, हाँ डिस्टेंस ही निकालनी थी, क्योंकि पोजिशन थी। तो पोजिशन क्या हो गई, 19 पोजिशन होगी उसकी राइट से। लेफ्ट से अगर 11 है तो राइट से क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अगर पर्सन टोटल पूछता वो, है ना, तो टोटल पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, 30 माइनस 1 29। इस तरीके से आप निकाल लेना। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, और तीनों क्वेश्चन में मैंने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है, सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पर हो जाएंगे। हाँ, मैंने ये चीज़ नहीं बताई कि टॉप से बॉटम, जब वर्टिकल वाला मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, लेकिन अगर इसको आप कर पाते हैं तो वर्टिकल वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। वर्टिकल में कुछ नहीं होता है, वो टॉप से बैठा होता है इस तरीके से लाइन, उसको भी मैं इसको ऐसा कर लूँगा तो वो क्यों ही बात है ना। यहाँ पर टॉप लिखने में आ जाएगा, ये जो लेफ्ट लिख रहा हूँ यहाँ से टॉप हो जाएगा, और यहाँ पर बॉटम हो जाएगा, बॉटम से इस तरीके से, है ना, रैंक इस तरीके से अपन कर सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी, अगर कुछ मतलब कि कुछ मिस्टेक होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पिन करके बताया करें मुझे कि आपने सर ये इस प्रकार की प्रॉब्लम है और आप इसको थोड़ा सुधारिए, तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। साथ ही आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अच्छी क्लास, एक क्लास में मैं सारा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आने वाले समय में जब मेरे पास सोर्सेस उपलब्ध हो जाएंगे तो मैं बहुत सारा चीज़ें बहुत कम शॉर्ट वीडियो में बहुत सारा आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, थैंक यू।